बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने एक बहुत ही मुनफरिद वीडियो लेके हाजिर खिदमत हूँ, और इससे पहले कि मैं वीडियो को बाकायदा शुरू करूँ, अगर YouTube पे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी दोस्तों, ये वीडियो जो है इसकी ख़ास बात यह है कि ये ना सिर्फ तमाम मुसलमानों के लिए है बल्कि नॉन मुस्लिम्स जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, ये उनकी मालूमात में भी खातिर खा इजाफा है। हमारे अपने छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है, तो इसके लिए भी ये एक अच्छा इजाफा है। तो हम शुरू कर रहे हैं, ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है। इसको आप तकरीर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मालूमात में एक मवादी इजाफी मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद उल अज़हा, जिसको हम बड़ी ईद भी कहते हैं, हमें इस बेमिसाल कुर्बानी की याद दिलाती है जो अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दी। जब ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बार बार ये नज़र आया कि अल्लाह पाक उनसे अफजल तरीन कुर्बानी की सूरत में क्या मांग रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जोजा हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से खुले अल्फाज में उसका तज़करा फरमाया। माँ और बेटे ने शैतान के तमाम तर हमलों के बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ पर आमीन कहा, और यूं वो तारीखी लम्हात आए जिनके बारे में अलामा इकबाल फरमाते हैं, वो फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, वो फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। इब्तदाए सब्र के तमाम तकाजे पूरे करते हुए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक खुले मैदान में अपनी गर्दन को छुरी के हवाले करने के लिए लेटे तो शफकत पिदरी को रजाए एजती पर कुर्बान करते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे शहजादे की गर्दन पर छुरी फेर दी। यह नजारा चश्मे फलक से बर्दाश्त ना हुआ तो खालिक कायनात ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुम्बा लेकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह रखने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील के साथ ही बहार की आमद हुई और अल्लाह पाक को अपने खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह की अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर साल 10 ज़ुलहज को ये अमल शामिल फरमा दिया गया। ज़ुलहज में ऐसे मुसलमान जो हज बैतुल्लाह की इस्तेआत रखते हैं बैतुल्लाह का हज अदा करते हैं, और पूरे आलम इस्लाम में यह त्यौहार बड़ी ईद, कुर्बानी वाली ईद और ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक, इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हर मुसलमान पर इस दिन कुर्बानी करना वाजिब है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीनो दुनिया में सुरखुरी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।